विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र महान मुनि थे, बड़े ऋषि थे और परम ज्ञानी थे। एक सुंदर आश्रम में निवास करते थे जहां बहुत सारे ऋषि मुनि, वानप्रस्थी, सन्यासी, बटुक, ब्रह्मचारी साथ में रहा करते थे। नित्य यज्ञ किया करते थे और वेदों में पारंगत ब्राह्मण लोग वहां थे। उस यज्ञ में जहां यज्ञ और जप मुनि करते, वहां मारिच और सुबाहु नाम के राक्षस विघ्न डालते, यज्ञ ध्वंस कर देते। ऋषि विश्वामित्र इतने समर्थ, ताकतवर, शक्तिशाली थे कि वो चाहते तो राक्षसों का विनाश स्वयं कर सकते थे, क्योंकि बड़े पराक्रमी राजा थे विश्वरथ, और स्वयं राजा होने के बाद ऋषि बने थे। परंतु कोई भी राजा हो, अगर ऋषि बन गया, यदि साधु बन गया, तो वो किसी दुश्मन से भी लड़ने नहीं जाता। वो कोशिश करता है कि समाज के जो संघर्षशील लोग हैं वही ये काम कर दें। वो तो अनुष्ठान में रहता, चाहे तो वो मार सकता है, लेकिन उसका काम ये नहीं है। उसके लिए पुलिस की व्यवस्था है, उसके लिए समाज की व्यवस्था है, उसके लिए राजाओं की व्यवस्था उस समय थी। आज सामाजिक मिलिट्री है, पुलिस है, साधु को लड़ने की जरूरत क्या है? वो तो अपने ज्ञान से लोगों को तृप्त करता है। तो विश्वामित्र उस समय ऋषि थे, चाहते तो मार सकते थे, बड़े योद्धा थे, लेकिन उन्होंने उस समय के जो राजा थे उनको आश्रय लेना उचित समझा। और विश्वामित्र मन में ध्यान करने लगे, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरिगुनि मरहिन निशिचर पापी। अब यहां गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया, इशारा किया बताने के लिए कि ऋषि तो हैं, लेकिन ये राजा के पुत्र हैं, राजा गाधी के पुत्र हैं। चाहते तो ये बात यहां नहीं करते, सीधे बोलते कि ऋषि विश्वामित्र मन चिंता व्यापी, हरिवुन मरहिन निश्चर व्यापी, लेकिन कहते गाधी तनय निज मन चिंता व्यापी। राजा गाधी के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता हुई कि भगवान के बिना ये निश्चर पापी मरने वाले नहीं। तो ध्यान लगाया, दिव्य दृष्टा ऋषि थे, मन ही मन विचार किया, प्रभु अवतरऊ हरण मही भारा, भगवान का अवतरण धरती के भार को हरने के लिए हो गया है। ये देख लिया उन्होंने दिव्य दृष्टि से, जब भी ईश्वरीय चेतना इस धरती पर आती है तो साधारण या बड़े से बड़े लोग उनके दर्शन के लिए ललायित रहते हैं। ऋषि विश्वामित्र आकुल व्याकुल हो गए, तड़पने लगे, भाव विवल होने लगे, रोमांचित होने लगे कि कब जाऊं अयोध्या, कब प्रभु के दर्शन करूं, आ गए हमारा भार हरने के लिए। ये घटना उस समय की, राजा सुद्योधन के घर में एक बालक हुआ, सिद्धार्थ नाम का बालक हुआ। उत्सव मनाया जा रहा था कपिल वस्तु में, चारों तरफ नाच गन, गान वाद वृंद, खुशियां फैली हुई थी। राजा बड़े ही प्रसन्न थे, आनंद में मग्न थे, हीरे मोती जवाहरात लुटा रहे थे। तभी यह खबर आई कि महल के दरवाजे पर एक आचार्य आए हैं, एक मुनि आए हैं। क्या नाम है उनका? तो कहा आसिताचार्य। घबरा गए राजा, आसिताचार्य तो ऐसे ऋषि हैं जो किसी के यहाँ बुलाने पे भी नहीं आते, आज बिना बुलाए आ गए। नंगे पांव दौड़े गए और चरणों में गिरकर विनती की, प्रभु आइए, आसन ग्रहण करिए। तभी देखा कि वो ऋषि जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे, और ठहाके लगाते ही थोड़ी देर में फूट फूट कर रोने लगे, अश्रुधार बहने लगे। राजा हतप्रभ, अचंभित, स्तब्ध, दुखी, अचानक क्या हो गया, द्वंद में पड़ गए, शकित हो गए कि हंसने का कारण तो समझ में आता है, मेरे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, मेरे बेटे को आने की खुशी में ऋषि प्रसन्न है, लेकिन ये रो क्यों रहे हैं, इस बात से मुझे तकलीफ है। पूछा, बाबा आप बताइए, आपके हंसने का कारण तो ठीक यही होगा जो हम समझ रहे हैं कि मेरे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उस आनंद में प्रसन्न होकर आप हंस रहे हैं, लेकिन आपके दुख का कारण समझ में नहीं आ रहा। तो ऋषि ने कहा कि राजन ठीक समझा आपने, आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, मैं आनंदित हूं इसलिए हंस रहा हूं, लेकिन दुख इस बात का है कि जिसे आप भी नहीं समझ पा रहे, आपके घर जो आया है बालक साधारण नहीं, वो बुद्ध है, आपके घर में जो आया है वो बुद्ध है, और मैं आनंदित हूं कि उसके दर्शन करने का मुझे अवसर मिला, लेकिन दुख इस बात का है कि मेरा ये अंतिम जन्म है, जब ये बीज वृक्ष बनेगा, जिस दिन इसकी छाया में बैठने का अवसर आएगा, मैं नहीं रहूंगा, मेरी मुक्ति का समय आ जाएगा।
मेरा यह आखिरी जन्म है, मैं शरीर छोड़ने वाला हूं, इसलिए मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, प्रभु एक जन्म और सही, लेकिन बुद्ध में के चरणों में बैठने का अवसर दे दीजिए, एक बार इस बुद्ध के चरणों में बैठने का अवसर दे दीजिए, इसलिए रो रहा हूं और बार बार प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मुक्ति का वरदान हमेशा मांगता था, आज मुक्ति नहीं चाहिए, आज बस उनके चरणों में बैठने की युक्ति चाहिए, मुक्ति बाद में दे देना, अभी बैठ लेने दो।